सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वी बैक। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कैसे आप पोकेस्टॉप क्रिएट कर सकते हैं पोकेमोन गो में। आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी पोकेस्टॉप क्रिएट पर इनग्रीस ऐप के थ्रू, वो भी एक मेथड के थ्रू आप पोकेस्टॉप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आपको शो करूंगा वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है अगर आपको पोकेस्टॉप क्रिएट करवानी हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में कि सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा। अगर आप वहां पर पोकेस्टॉप क्रिएट करवाते हैं तो आपके बहुत जल्द पोकेस्टॉप क्रिएट हो जाएगा। और मैं इस वीडियो में किस प्लेस पर पोकेस्टॉप क्रिएट करने वाला हूं वो भी आपको सब इस वीडियो में शो करूंगा। प्लस आप क्या गलती करते हैं और क्या गलती कर सकते हैं वही सब बताऊंगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा निशित बारिया को। आप सभी को पता है, इंस्टा पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि ब्रो मेरे पास लेवल 29 है, लेवल 30 है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलता हूँ निशित बारिया को, जिन्होंने अपना लेवल 40 का अकाउंट दिया मुझे, मुझ पर ट्रस्ट भी किया, पूरी विवेक फैमिली की हेल्प की, तो उन्हें बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है और इजी मेथड कौन सा है अगर आपको पोकेस्टॉप क्रिएट करनी है। प्लस फ्रेंड्स, मैं खुद भी पोकेस्टॉप क्रिएट करूंगा मेरी एरिया में, जो भी प्लेस है वहां पर। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको लेवल 40 के अकाउंट के बिना भी पोकेस्टॉप क्रिएट करवानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल होगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा अगर आपको पोकेस्टॉप क्रिएट करवानी है। यस फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट प्लेस होगा कोई भी टेंपल, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्लस कोई भी प्लेग्राउंड, गार्डन। अगर इन प्लेस को आप सेलेक्ट करते हैं पोकेस्टॉप क्रिएट करवाने के लिए तो बहुत बहुत जल्द आपकी पोकेस्टॉप क्रिएट होगा हो जाएगी और 99% चांस होते हैं कि आपकी पोकेस्टॉप भी यहाँ पर आ जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं जब वीबेक के 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे तो आपने देखा होगा जो मेरी ये लोकेशन है तो वहां पर आपने देखा होगा कोई भी पोकेस्टॉप नहीं थी। अगर आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक पोकेस्टॉप आ चुकी है जो थोड़ी ही दूर है यहाँ से मेरी लोकेशन से, तो वो एक नॉर्मली हनुमान टेम्पल था, वहां पर मैंने पोकेस्टॉप क्रिएट करवाई थी। बहुत ही जल्द यहाँ पर पोकेस्टॉप क्रिएट भी हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, किस लोकेशन पर पोकेस्टॉप क्रिएट करने वाला हूँ वही सब करूंगा इस वीडियो में आपको शो। और एक और बात आपसे बोलना चाहूंगा वीडियो के एंड में जो बहुत ही सीरियस भी है, तो प्लीज ध्यान से सुनना उस बात को भी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पोकेस्टॉप क्रिएट करनी है और आपके पास लेवल 40 का अकाउंट है तो आपको जाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेटिंग्स में पोकेमोन गो की, और उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा न्यू पोकेस्टॉप का ऑप्शन, तो आपको उस पर कर देना है टैप। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देगा आपको जो आप पढ़ लेना नॉर्मली, लेकिन मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जस्ट अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेट लोकेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो आप कोई भी मार्क कर सकते हैं जहाँ भी आपको सेलेक्ट करना हो प्लेस, लेकिन यहाँ पर जो आपकी लाइव लोकेशन है वहां पर ही आपको कर देना है नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, जस्ट अब हमें लेनी होगी यहाँ पर एक फोटो। यस फ्रेंड, जो भी ऑब्जेक्ट हम शो करना चाहते हैं पॉकी स्टॉप में, जो भी चीज हम शो करना चाहते हैं उसकी हमें फोटो लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे भगवान हैं तो उनकी मैं जस्ट फोटो ले लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको शो करता हूँ। तो जस्ट आपको फोटो है वो बिल्कुल क्लियर लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए उस फोटो में, यानी कि कोई भी ह्यूमन नहीं होना चाहिए, कोई भी एनिमल नहीं आना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और फोटो क्लिक करनी है, वो एक अलग एंगल से आप क्लिक करना, यानी कि आप किसी भी टेम्पल का आउटडोर शो कर सकते हैं उस फोटो में। मैंने जस्ट वही फोटो अगेन क्लिक कर दी जल्दी जल्दी में, मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी क्योंकि वहां पर कुछ भीड़ थी, इस वजह से थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई। मुझे फिर भी पता है कि यहाँ पर 99% चांस है कि पोकेस्टॉप आ जाएगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना जो मुझसे गलती हो गई। सो फ्रेंड्स, अब आपको देना होगा इस पोकेस्टॉप का टाइटल। यस फ्रेंड्स, मैंने दे दिया हनुमान टेम्पल। नॉर्मली अगर आप कोई भी प्लेग्राउंड में बनाते हैं तो आप चाइल्ड प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, कोई भी प्ले अगर गार्डन का नाम है तो गार्डन का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। यस फ्रेंड्स, आपको डिस्क्राइब करना होगा इस प्लेस को कि ये फेमस क्यों है और यहाँ पर पोकेस्टॉप क्यों बनना चाहिए, तो वो आप डिस्क्राइब कर देना बहुत अच्छे से। मैंने अगेन कहूँगा बहुत जल्द जल्द में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया था क्योंकि आप सभी को पता है वहाँ पर मंदिर में बहुत भीड़ थी, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में जो भी मुझसे समझ में आया उस समय मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। और जस्ट फ्रेंड्स, उसके बाद आपको
एक और डिस्क्राइब करना होगा या फिर कहूँ तो आपको और कुछ अच्छे से बताना होगा इस प्लेस के बारे में, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अगेन कुछ बातें तो आपको सेम ही लिखनी है जो आपने डिस्क्राइब की है इस पॉकी स्टॉप को, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और ऐड कर देना आप अपने हिसाब से। जो भी आपका प्लेस होगा वो आप नॉर्मली लिख ही सकते हैं और आप समझा भी सकते हैं पॉकी स्टॉप या फिर कहूँ तो नियंटिक को। तो जस्ट फ्रेंड्स उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर सबमिट, और सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास कुछ ही देर में एक मेल या फिर मेल, तो वो जैसे ही रिव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बातें ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स वो है कि आपको डिस्क्राइब बिल्कुल सही करना है, प्लस फ्रेंड्स जो भी आप फोटो भेज रहे हैं नियंटिक को वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी फोटो को या फिर कहूँ तो कहीं से आप फोटो पहले से ही क्लिक कर कर यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं, आपको रियल फोटो रियल जो लाइव लोकेशन है आपकी वही सेलेक्ट करनी है, वही फोटो आपको भेजनी होगी। तो ये बातों का आप ध्यान रखना। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने अगेन एक टेंपल में ही शो किया है, आपको बताने के लिए मैंने ये पर्सनली शो किया है कि टेंपल में बहुत इजीली बन जाती है, अगर आप हल्की सी मिस्टेक करते हैं तो इजीली चल जाता है वो चीज़, जैसा मुझसे पर्सनली हो भी गई थी इस पॉकी स्टॉप के नॉमिनेशन में। मुझे पर फिर भी बताइए कि यहाँ पर पॉकी स्टॉप आ जाएगी, और जब भी पॉकी स्टॉप यहाँ पर आ जाएगा मैं अगेन आपको शो कर दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि आप विदाउट लेवल 40 के कैसे पॉकी स्टॉप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में गारंटी आपको शो करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स आपसे एक सीरियस बात मुझे इस वीडियो के थ्रू करनी थी, आई होप आप समझ सकेंगे मेरी बात को कि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉकी स्टॉप क्रिएट करें, जिसके पास भी लेवल 40 का अकाउंट है प्लीज़ आप अपनी सिटी में ज़रूर एक्सप्लोर करें, जरूर जहाँ भी पॉकी स्टॉप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर पॉकी स्टॉप क्रिएट करें। आई थिंक इंडिया में भी कुछ ज़्यादा प्लेयर पोकेमॉन गो में और अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा पोकेमॉन गो को खेलेंगे, ताकि नियंटिक भी इंडिया में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ भी कुछ सफारी जोन इवेंट्स फ्यूचर आ सकता है इंडिया में अगर आप पोकेमॉन गो को सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड साथ ही साथ तो मैं ट्राई करूँगा कि मैंने इस सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कितनी पॉकी स्टॉप क्रिएट कर रखी हैं टोटल, वो किसी वीडियो में आपको शो करूँ लाइव, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो उस वीडियो के थ्रू अपने एरिया में पॉकी स्टॉप क्रिएट कर सकें, अपने इंडिया में पॉकी स्टॉप क्रिएट कर सकें। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।